सभी को हैप्पी दिवाली। घर घर में माँ लक्ष्मी आज के दिन विराजमान हो, सबकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी ही कामना करती हूँ मैं माँ से। सारी दुनिया खुश रहे, इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये मैंने ली है दालचीनी के 2 टुकड़े, और मैंने यहाँ फूल वाली, जो फूल होता है जिस लौंग में, फूल वाली 5 लौंग ली हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आज बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है, उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद मैंने 5 ही हरी इलायची ली हैं, उनको सबको इसी कटोरी में या मिट्टी के दिए में जो आता है उसमें, या किसी कटोरी में रख लीजिए आप। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए कपूर, और कपूर डालने के बाद आप इसमें माचिस से इसे जला दीजिए। मैंने इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है, उसके बाद आप इसको जला दें। और ये धुनी है ना, जो इसकी पूरे घर में घुमा दे, जितने रूम हो आपके यहाँ, कोई भी नेगेटिविटी होगी, कुछ भी ऐसी नज़र दोष कुछ भी होगा, आपके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। ये बात आप ज़रूर करें, आज आप पूरी रात में कभी भी कर सकते हैं। 12 बजे से पहले आप इसे कर दें, फिर आप देखिएगा इसे कितनी शांति मिलती है। तो देखिएगा, मैंने जला दी है, अब ये जलती रहेगी। इसको अच्छे से जला लेना है, और ये कपूर थोड़ा सा बंद होने लगे तो आप थोड़ा और डाल दीजिएगा जब तक ये जले। वैसे इसमें 5 कपूर डालना है, तो एक एक करके मैं डाल के जला रही हूँ, क्योंकि आजकल फ्लैट जो होते हैं बंद होते हैं, एक साथ 5 डाल देंगे तो बहुत सारा धुआं हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक करके इन्हें 5 डाल के कपूर को अच्छे से जला लूँगी। उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद सुबह में किसी भी गमले में इसको डाल दूंगी। इसी तरह आप भी करिएगा, फिर इसका आप प्रमाण देखिएगा, इतना अच्छा असरदार ये उपाय है। माँ लक्ष्मी आपके यहाँ भर भर के विराजमान होगी, कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कोई तंगी नहीं होगी। माँ आप सब पर बहुत कृपा करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ माता रानी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।